MNIT जयपुर और तिबल IIT कोटा के इस दीक्षांत समारोह के अंदर MNIT के डायरेक्टर श्री NP पादी जी, चेयरमैन श्री RK त्यागी जी, तिबल IIT कोटा के कोऑर्डिनेटर AK व्यास जी, डीन जय माथुर जी और MNIT और तिबल IIT के सभी प्रोफेसर, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, विशिष्ट अतिथिगण और जो मेरे सामने नौजवानों को देख रहा हूं, जो नए भारत के भविष्य हैं, जो सपने भारत की जनता ने देखे थे, उन सपनों को साकार करने का लक्ष्य बनाकर इस कैंपस में अध्ययन कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, मैं उन सबको भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने आज गोल्ड मेडल के रूप में अपनी शिक्षा दीक्षा का पहला प्रथम चरण पूरा किया और उन सभी विद्यार्थियों को जो यहां से दीक्षा प्राप्त करके निकलेंगे, मैं उन सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आपके निर्माण में, शिक्षण में, प्रशिक्षण में, संस्कार में जिन फैकल्टी मेंबर का योगदान रहा, जिन कर्मचारियों का योगदान रहा और आपके माता पिता जिन्होंने आपको अच्छे संस्कार दिए कि आप आज एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिक इंस्टीट्यूट से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके निकले हैं, उन सबको भी मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये संस्थान जिन महान भूति के नाम है, भारत रत्न महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और एक अच्छी शिक्षित पीढ़ी तैयार हो, संस्कारित पीढ़ी तैयार हो, इसके लिए उनका जो समर्पण था, सेवा थी, त्याग था, उस समय की परिस्थिति के अंदर जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उन्होंने एक ऐसे विश्वविद्यालयों के विचार को भारत में तैयार किया जिसके माध्यम से जो पीढ़ी निकले उसका आंदोलन, देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हो, देश के प्रति योगदान हो, समर्पित भाव हो, ऐसा विश्वविद्यालय बनाने का विचार उन्होंने उस समय किया।
उनके पास धन नहीं था, धन का अभाव था, लेकिन लक्ष्य और विचार था। और उस लक्ष्य विचार को लेकर चले और आज काशी का विश्वविद्यालय हो या ये कैंपस हो, काशी का विश्वविद्यालय उनका बनाया हुआ है, लेकिन जो भी कैंपस उनके नाम है वह कैंपस में पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना, संस्कार प्राप्त करना और उनके जीवन को पढ़ना, समझना और उनके जीवन से प्रेरणा लेना। संस्थान के अंदर पंडित मदन मोहन जी का नाम और विचार ही आपको हमेशा नई प्रेरणा देता है, नया आत्मविश्वास पैदा करता है। देश के लिए, समाज के लिए, नए परिवर्तन के लिए और उस परिवर्तन का चिंतन करना, विचार करना, ताकि आने वाले समय के अंदर भारत कैसा बने, क्या मेरा योगदान हो देश के अंदर। नाम से ही हमें नई प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह मिलता है। साथियों, हम आजादी के अमृत काल में चल रहे हैं और ये अमृत काल हमारे लिए गोल्डन एरा है, एक ऐसा एरा जो संभावनाओं से भरा पड़ा है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, दुनिया भारत के नौजवानों की ओर देख रही है और इसी गोल्डन एरे के अंदर आप जो प्रौद्योगिक ट्रिपल आईटी, पीएचडी, अलग अलग संकाय के अंदर जो कुछ भी शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, मुझे आशा है कि आपके नौजवान, आपकी अद्भुत क्षमता, आपका चिंतन, आपके सोच से हम नए भारत के लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आजादी के 100 साल हो, जब 2047 हो तो भारत कैसा हो, क्योंकि बदलते समय के अंदर बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी का बहुत परिवर्तन हो रहा है। भौतिक संसाधनों का भी उपयोग हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारा विद्यार्थी सारी नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए भी हमारी जो पुरातत्व संस्कृति संस्कार है उसको लेते हुए हम 21वीं सदी के इस दौर के अंदर जो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो नए नवाचारों का दौर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दौर है, जिसमें बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है और उस परिवर्तन के साक्षी आप हैं, इसलिए हम किस तरीके से इस परिवर्तन के दौर के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए भारत को विश्व के अंदर सबसे अग्रिम देश का देश बनाए। और ये निर्भर है मेरे सामने बैठे उन नौजवानों के कारण। यह संभव है
जो मेरे सामने बैठा नौजवान जो सपने देख रहा है, उन सपनों को पूरा करने की सामर्थ्य शक्ति है तो मेरे नौजवान के अंदर है। मुझे याद है कि जब हम यहां विश्वविद्यालय में आया करते थे, कुछ छात्र राजनीति में थे, जब मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज ये हुआ करता था इसका नाम, हमारे कुछ साथी भी यहां पढ़ते थे, ठहरने का स्थान नहीं हुआ करता था, लेकिन ये इतनी दूर था कि मित्र लोग कहते थे कि हॉस्टल में आके रुक जाओ तो भी रुक नहीं पाते थे, क्योंकि जयपुर के परकोटे जयपुर से और मालवीय नगर का ये इलाका एक जंगल का इलाका था, बहुत दूर था, संसाधन नहीं चलते थे। आज जिस कैंपस के अंदर आप हैं, ये जयपुर का मध्य का सेंटर बन चुका है, और इसलिए आप जब निकलेंगे तो जयपुर के इस गुलाबी नगरी के, जो भारत में अपनी संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, शौर्य स्वाभिमान के लिए, इसकी अलग पहचान है दुनिया के अंदर। देशी विदेशी पर्यटक यहां आते हैं तो देखते हैं कि जयपुर और जयपुर का ये व्यापक इलाका, उस कैंपस के मध्य में आप पढ़ते हैं आज। इसलिए आपको तो जब बाहर निकलेंगे तो सब कुछ चीजें मिलेगी। उस समय था जब बाहर निकलते तो जंगल के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। इसलिए मित्रों, ये समय जिंदगी का आपका गोल्डन का समय है, जब शिक्षा भी, टेक्नोलॉजी भी, नवाचार भी, बदलते युग के अंदर आप शिक्षण अध्ययन नवाचार कर रहे हैं। बाहर कुछ कैंपस है, कुछ मित्र लोग आज रहेंगे आपके साथ, कल अलग अलग दौर के अंदर अलग अलग जिंदगी के पड़ाव पर चलेंगे, लेकिन मित्रों के साथ आपने क्लास रूम में अध्ययन प्रशिक्षण सीखा होगा, बाहर जाकर आपने कुछ चर्चा संवाद कर बाहर संवाद करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम किया होगा। लेकिन हमारे यहां जो संस्कार और संस्कृति है, गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद फिर अपने पैरों पर खड़े होकर हमें खुद को निर्णय करना होता है, और यह समाज भी अपेक्षा करता है, और इसलिए शिक्षण प्रशिक्षण निरंतर दुनियाओं के अंदर, समाज के अंदर धन आएगा चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन शिक्षा का ज्ञान कभी आपका नहीं जाएगा। जो कुछ भी आपने प्राप्त कर लिया इस समय या आने वाले समय के अंदर, जो संचय कर लिया, जो संग्रह कर लिया, शिक्षा आध्यात्मिक अपने जीवन के वह महत्वपूर्ण क्षण पल, जो कुछ भी आपने सीखे यहां पर, वे आपको जीवन जीने की राह देंगे, चुनौतियों से लड़ने की व्यापक सामर्थ्य देंगे, और सामर्थ्य की ताकत आप में होगी। मैं भारत के नौजवानों में हर चुनौती लड़ने की ताकत और सामर्थ्य है। हमें चुनौतियों से लड़ने की आदत होना चाहिए, चुनौतियों का समाधान का रास्ता हमारे मन में होना चाहिए। अगर हम चुनौतियों से नहीं लड़ेंगे तो समाधान का रास्ता कैसे निकले, और इसीलिए आपको हर चुनौतियों से समाधान करने के रास्ते अपनाने चाहिए। हर चुनौतियों से लड़ने की सामर्थ्य और शक्ति जो आप में है उसका उपयोग करना चाहिए, और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी को प्राप्त करते समय हमारे मन में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल सब कुछ हो, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो संवेदना है, जो ह्यूमन टच है, जो हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक ज्ञान में है, उसको कभी मत छोड़ना।
मुझे याद है कि दुनिया के वो भौतिक संसाधनों पर टिके वो देश आज किस अवसाद स्थिति के अंदर है, और भारत का नौजवान अवसाद में नहीं रहता। भारत का नौजवान चुनौतियों से भी लड़ता है, चुनौतियों का समाधान भी करता है, लेकिन उसमें मानवीय संवेदना भी होती है, आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। इसके कारण उसकी जो आंतरिक चेतना जो ऊर्जा है वह अपार होती है। वह आंतरिक चेतना ऊर्जा हमेशा हम में बनी रहनी चाहिए, जीवंता निरंतर हमेशा बनी रहनी चाहिए। जितनी जीवंता निरंतर आप में रहेगी, जैसे पानी ठहर जाता है तो पीने लायक नहीं होता, अगर निरंतर बहता रहता है गंदा होता है तो भी साफ निकलता जाता है। इसलिए जीवन में निरंतरता बनी रहे, हर दिन परिवर्तन, हर दिन परिवर्तन की, इनोवेशन की, नए सोच की, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के अंदर हो। ये जिज्ञासा आपके मन में रहनी चाहिए कि दुनिया के उस समय जो वैज्ञानिक हुआ करते थे वो कितनी बार असफल हुए, कितने सालों तक उन्होंने रिसर्च किया, इनोवेशन किया, लेकिन आज उनका नाम दुनिया में याद रखते हैं। कौन राजा कितने साल राज देगा उसको याद नहीं रखता, लेकिन एक वैज्ञानिक कोई अध्ययन करके जाता है तो सालों तक उस वैज्ञानिक को याद रखते हैं और उसके अध्ययन, रिसर्च, इनोवेशन को याद रखते हैं। और हम तो उस दौर में हैं जब हर सेक्टर में इनोवेशन हो रहा है, चाहे क्लीन एनर्जी हो, चाहे पानी हो, मेडिकल साइंसेज हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर के अंदर भारत के नौजवानों ने नया इनोवेशन नहीं किया, नया रिसर्च नहीं किया। भारत में नहीं, दुनिया के अंदर भी चले जाओ तो दुनिया के विकसित राष्ट्र के अंदर भी जो इनोवेशन करने वाले, रिसर्च करने वाले, नए अनुसंधान करने वाले हैं वो भारत के नौजवान हैं। आपसे इस संस्थानों से पढ़ने वाले नौजवान हैं जो इस विकसित भारत, विकसित राष्ट्र में भी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत और सामर्थ्य भारत की धरती से पैदा हुई, उनकी शिक्षा संस्कार से कारण पैदा हुई। और इसीलिए आपको भी लगता होगा मैं बहुत अधीर हो रहा हूं, मैं आप में बहुत संभावनाओं को देख रहा हूं। मैं इसलिए संभावनाओं को देख रहा हूं कि मैं कई कैंपसों में गया हूं। हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, बीकॉम कर ली, एमकॉम कर ली, केवल इतना ही कोई समय था एमए बीए। लेकिन अब बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारे विश्वविद्यालय, हमारे प्रौद्योगिक संस्थान, किसी जमाने में आईआईटी केवल रिसर्च इनोवेशन के सेंटर हुआ करते थे, लेकिन बदलती शिक्षा प्रणाली के अंदर भारत का हर इंजीनियरिंग कॉलेज, तिबल आईआईटी, एमएनआईटी, साधारण विश्वविद्यालय भी इनोवेशन और अध्ययन अनुसंधान के केंद्र बनते जा रहे हैं। और इसीलिए दुनिया की अपेक्षा भी भारत से है कि दुनिया के अंदर जो वैश्विक चुनौतियां होंगी इसका समाधान निकलेगा तो आने वाले समय में भारत में निकलेगा, भारत के नौजवान निकालेंगे। और इसीलिए अपने जीवन के लक्ष्य तय होने चाहिए, और लक्ष्य तय होना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जो लक्ष्य तय नहीं होता, जिसमें जुनून नहीं होता, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन नए भारत के अंदर मेरे नौजवानों में ये ऊर्जा और सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, और इसीलिए मुझे इस नई पीढ़ी पर बहुत अपेक्षा है। अपेक्षा आपसे सब समाज को है, पूरे भारत को है।
और इसीलिए आप में जो टैलेंट है, जो आपके टारगेट हैं, वो टैलेंट है, टारगेट है, वो एनर्जी आप में है। इस एनर्जी का हमें अधिकतम उपयोग करना है और ग्लोबल मार्केट का नेतृत्व करना है। आज भारत के अंदर आप जैसे नौजवानों ने, इसी कैंप से निकले नौजवानों ने दुनिया के अंदर, स्टार्टअप की दुनिया के अंदर आज तीसरे नंबर पर भारत है। और जिस गति से हम चल रहे हैं, 80,000 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं, और जो गति हमारी है, हर चुनौतियों का समाधान, हर कठिनाइयों का समाधान मानवीय संवेदना के साथ काम करते हुए मानवीय जीवन के अंदर जो भी चुनौतियां उसका समाधान, ये सामर्थ्य हमारे नौजवान में है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम इन्हीं कल्पनाओं से, इन्हीं सपनों से यहां से निकलें। इन सपनों को पूरा करने के लिए हम में और आत्मविश्वास पैदा हो, और जो कुछ कर सकता हूं मुझे करना है, मुझे ही बदलते भारत की तस्वीर को नया बनाना है, दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करे, ये क्षमता मेरी है। इन सपनों के साथ आपको इस कैंपस से बाहर निकलना है। मुझे आशा है कि आप का ये जीवन, ये समय जो निकला है, जो समय आपने इस कैंपस में बिताए, अपने मित्रों के साथ बिताए, ये आपको हमेशा हमेशा आपके जीवन में नई प्रेरणा देते रहेंगे। यहाँ के विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान के सभी प्रोफेसर भी बहुत अनुभवी हैं। कोटा के अंदर भी तिबल IIT का कैंपस अगली बार शुरू होगा, ऐसा मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा है। कई बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, निश्चित रूप से उन्होंने कोटा में कोचिंग प्राप्त की होगी। आने वाले समय के अंदर जो जमाना प्रौद्योगिकी का है, टेक्नोलॉजी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, मशीनिंग युग का है, रोबोट का है, उस सब में आपके संस्थान का प्रौद्योगिकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी का ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज्ञान, जो कुछ भी प्राप्त किया है वो समाज को समर्पित करेंगे। और जिस तरीके से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो सपना देखा था कि भारत शिक्षित, दीक्षित और एक संस्कारित भारत बनेगा, और उसके लिए मुझे मेरी युवा पीढ़ी को एक शिक्षित दीक्षित बनाना है, मुझे आशा है आप इसी सपने के साथ निकलेंगे, और जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वह आपसे प्रेरणा लेगी कि हम, हमारे जो पुराने साथी इस कैंपस से निकले हैं, उन्होंने दुनिया के अंदर जो कुछ भी बड़े वैज्ञानिक विज्ञान के जो नए रिसर्च किए हैं, वह MNIT के पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने किए, मेरे साथी ने किए, तिबल IIT में पढ़ने वाले मेरे साथी ने किए, ऐसी परपाटी डालने का प्रयास करें कि आपको याद करें नई पीढ़ी, और बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर वह भी इतना ही आत्मविश्वास के साथ नए भारत के सपने को बनाने के लक्ष्य के साथ
शिक्षण प्रशिक्षण करे, आप सबको आज आप डिग्री प्राप्त करेंगे उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस नए जीवन के नए रास्ते आपके लिए स्वर्णिम होंगे और आपके प्रयासों से स्वर्णिम भारत बनेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।